हियर गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वन प्लस जेड जो कि होने वाला है मिड रेंज का स्मार्टफोन, पहले इसके बहुत सारे सोर्सेस से ये बताया जा रहा था कि इसका नाम वन प्लस एट लाइट होगा, बट रिलायबल सोर्सेस ने ये कंफर्म किया कि इसका नाम वन प्लस जेड होगा। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है, दो होने वाले हैं, एक प्रोसेसर दूसरा कैमरा। तो प्रोसेसर की अगर बात करूं तो वन प्लस एट प्रो से अगर आप 865 को हटा दोगे और उसमें 765G इनबिल्ट कर दोगे और दाम अगर 25,000 से कम में रखोगे तो क्या आप इसको परचेस करना चाहोगे या नहीं, बट ये क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा जो कैमरा है वो खाली डेप्थ सेंसिंग हटा दिया जाए वन प्लस एट प्रो से, बाकी का नॉर्मल प्राइमरी लेंस और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सेम रखा जाए तो भी इसका प्राइस 25,000 से कम में दिया जाएगा, तो क्या आप इसको परचेस करोगे या नहीं, कमेंट करके बताना। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम के अलावा और भी सारे लीक सामने निकल कर आए हैं सोर्सेज से, सारे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो जब वन प्लस एट सीरीज लॉन्च हुई थी इसके साथ SGA को लॉन्च नहीं किया गया था, ड्यू टू रीजन ये बताया जा रहा था कि जो पेंडेमिक चल रहा है हमारे कोरोना वायरस का ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये इसका लॉन्च डेट समर तक डिले करेगी। बट मुझे इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, बिकॉज अगर इस फोन को वो लोनली प्रेजेंट करती है बायर्स के सामने तो एक एंट्री लेवल में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन प्लस ऐसा जानता है कि 20 से 25,000 के रेंज में थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो बायर्स के पास दूसरे ऑप्शन होते हैं मोबाइल को परचेस करने के लिए। बट क्यों नहीं किया वन प्लस 8 सीरीज के साथ, अगर करता तो माइट भी ज्यादा सेल होता। तो स्टार्टिंग करता हूँ डिस्प्ले से, तो जो रेंडर्स वीडियो लीक होके आई थी तो अप्रॉक्स 6.4 इंच का छोटा स्क्रीन, ज्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। वन प्लस 8 की तरह कर्व्ड एजेस नहीं रहेंगे, फ्लैट एजेस रहेगा। रियर साइड में डुअल रियर कैमरा का लेंसेज देखने को मिलेंगे, ग्लॉसी ग्रेडियंट बैक फिनिश होगा, वन प्लस का लोगो होगा एग्जैक्टली हमेशा की तरह, और जो डिस्प्ले होने वाला है 90 हर्ट्ज के ऊपर बेस होगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मुझे बैक में नहीं देखा, फ्रंट में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। साथ में 3.5mm जैक भी मुझे नहीं दिखाया एज पर रेंडर लीक वीडियो, तो हो सकता है वो इस बार एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ना हो आप सभी के लिए, विच इज अ बैड न्यूज। सो यही हो सकता है कुछ इसके कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले डिजाइन के मामले में। दोस्तों अगर सच बताऊं तो इस वन प्लस जेड में मेजर जो डिफरेंस रहने वाला है वो रहने वाला है इसके कैमरा और प्रोसेसर। पहले ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि इसमें मीडिया टेक के डायमेंसिटी 1000 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक फ्लैगशिप चिपसेट है, बट सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये कंफर्म हुआ है कि इसमें स्नैपड्रैगन के 765G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि मीडिया टेक के 800 के SoC के इक्विवेलेंट है परफॉर्मेंस के मामले में। साथ ही में ये डिवाइस वन प्लस की तरफ से पहला ऐसा डिवाइस होने वाला है जिसमें आपको फ्लैगशिप का प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। साथ में दो चीज एक्सपेक्टेशन थी जो होनी चाहिए थी इसमें, एक वायरलेस चार्जिंग, दूसरा IP68 का वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस जो नहीं मिलेगा। तो अगर इन दोनों चीजों से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन आपको काफी इंप्रेसिव लगेगा। रियर साइड के कैमरा मॉड्यूल में दोस्तों दो लेंसेस मिलने वाले हैं, प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी 16 मेगापिक्सल का, जो कि लेजर फोकस लेंस होंगे। और ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये वन प्लस 8 से एग्जैक्टली हूबहू कॉपी किए गए हैं इस स्मार्टफोन में, एक्सेप्ट 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग जिससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। फ्रंट की बात करूं तो सेंटर पंच होल डिस्प्ले के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एपर्चर 1.2 के साथ देखने को मिल जाएगा। होपफुली मुझे ऐसा लगता है कलर फिल्टर का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाए जो कि वन प्लस 8 प्रो में देखने को मिला था, जिससे कि नाइट मोड की सेल्फीज भी आपको कमाल के देखने को मिलेगी। बैटरी सेक्शन में 4500mAh की बैटरी 30W के रैप चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगी एज यूजुअल वन प्लस की तरफ से। कोई भी क्रॉस वायरलेस चार्जिंग नहीं है और डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, नॉर्मल रैप चार्जिंग मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के लिए। लॉन्च डेट में समर तक डिले है तो जुलाई टू अगस्त ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है ग्लोबली और इंडिया में भी। और स्पेशली प्राइस की बात करूं तो जो बेस मॉडल रहने वाला है वो होगा इसका 22 से 23,000 के अंदर, यानी कि 25,000 से कम का, तभी ये एंट्री लेवल के स्मार्टफोन को कहा जा रहा है कि वन प्लस जेड होगा वन प्लस की तरफ फर्स्ट टाइम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यही थे कुछ सोर्सेस रिलायबल लीक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके जाना, बट कुछ जरूर कर देना थोड़ा सा कष्ट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे।